सरकार की का कोई उद्देश्य नहीं है और कोई मंशा नहीं है कि शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए, ये ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है। और हम लोगों ने तो और सख्ती से शराबबंदी कानून को लागू किया होगा। बिहार में शराब नहीं खुलेगी, चाहे विपक्षी दल कितने भी सवाल खड़े कर लें या फिर जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं वो भी लगातार शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो, लगातार वो शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि बिहार में शराब शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन बिहार में शराब नहीं खुलेगी, ये दावा कर रहे हैं बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम लोग बिहार में शराबबंदी जो है उसको ख़त्म करने के मूड में नहीं है, जब बल्कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसे और सख्त किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री सुनील सिंह, पहले आप वो सुने। देखिए, हमने पहले भी कहा और आप सभी जानते हैं और जनता भी जानती है कि शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी और नशाबंदी कानून को सर्वसम्मति से दोनों सदनों ने पास किया है और आवश्यकता अनुसार समय समय पर हम लोगों ने संशोधन भी किया है। लेकिन फिलहाल सरकार की का कोई उद्देश्य नहीं है और कोई मंशा नहीं है कि शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए, तो इसमें कोई अभी ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है। और हम लोगों ने तो और सख्ती से शराबबंदी कानून को लागू किया होगा और जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है या एक्साइज विभाग ने कार्रवाई की है और टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रोन इत्यादि का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है तो गिरफ्तारियां इत्यादि भी बढ़ी हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई बात करना कि उसे हटाया जाए आज नहीं बोल, देखिए हर कोई स्वतंत्र है अपनी इच्छा रखने के लिए, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कोई संशोधन करेंगे। फिलहाल उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, हाल में ही हम लोगों ने संशोधन कराया। सुनील सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसे और सख्ती से लागू करने के लिए हम समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं और इसको और सख्ती से लागू किया जाना है और गश्ती के लिए मोटर बोट ड्रोन जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हम लोग शराब खोलने के पक्ष में नहीं है, ऐसी कोई विचार विभाग द्वारा नहीं ली जा रही। वहीं सहयोगी दल और विपक्षी दलों द्वारा सवाल खड़े किए जाने पर उन्होंने कहा कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन नीतीश कुमार की जो सोच है वो बिहार को नशा मुक्त करने की है और ये प्रण हमने ले लिया है और इस प्रण को हम भूलेंगे नहीं और बिहार में शराब की शुरुआत नहीं होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसजी न्यूज़।